अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Infinix की नोट 8 सीरीज के बारे में। बिकॉज आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि नोट 8 सीरीज कब आएगी पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर Infinix की। अब इससे पहले जो नोट 7 सीरीज थी उसने भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन किया। रीज़न क्या था, उसके अंदर गेमिंग चिपसेट थी और 6GB 128GB वाला वेरियंट भी था उसके अंदर। अब ये जो नोट 8 सीरीज है ये कुछ अपग्रेड्स के साथ आ रही है, आपको परफॉर्मेंस के अंदर कुछ अपग्रेड देखने को मिलेंगे, कुछ कैमरा के अंदर अपग्रेड देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इसकी क्या कन्फर्म स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताऊँगा, एक्सपेक्टिंग लॉन्च डेट क्या है इसकी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा क्या ओपिनियन है और इसका राइट प्राइस टैग क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में जाने ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो हैशटैग बबलू लाहौरी लगा के इस वीडियो को नीचे कमेंट कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों की सबसे पहले यहां पे बात करते हैं Infinix Note 8 के स्पेसिफिकेशन की, तो वो ये स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन कर दिया, फॉर योर रेफरेंस आप इसे चेक कर सकते हैं और 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन है। मैं थोड़ी सी ना यहाँ पे थोड़ी सी मुद्दे की बात आपसे डिस्कस कर लूँ। अब ये नोट 8 है ये कीनिया की मार्केट के अंदर 1 से 1.5 वीक पहले लॉन्च हो चुका है और अफ्रीका की मार्केट से होता हुआ ये एशिया की मार्केट में, पाकिस्तान में, फिर दूसरी कंट्रीज के अंदर आता है Infinix ब्रांड, तो ये चीज़ है। अब ये नोट 8 है ना, इसका वेट क्यों किया जा रहा है, बिकॉज जो नोट 7 सीरीज है उसने अच्छा बिजनेस किया Infinix के लिए पाकिस्तान की बजट रेंज के प्राइस सेगमेंट के अंदर। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये जो फीचर्स मैंने मेंशन किया है 20% तक जो फीचर्स है ना वो अपग्रेड देखने को मिलते हैं परफॉर्मेंस के अंदर, कुछ कैमराज के अंदर और कुछ जो है ना छोटी मोटी और चीजें हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में बताता हूं कि अपग्रेड्स आपको कहां पे देखने को मिलते हैं। Infinix Note 8 के अंदर आपको जो चिपसेट है वो हीलियो G80 देखने को मिलती है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव है कंपैरेटिवली। अब G70 के साथ अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन तो सेम है दोनों चिपसेट्स की, लेकिन जो GPU की फ्रीक्वेंसी है ना वो थोड़ी सी इंप्रूव है हीलियो G80 के अंदर। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर थोड़े से G80 के साथ प्रॉब्लम रहते थे और हीटिंग के इश्यूज भी कुछ आते थे, जब फाइनली कोई डिवाइस निकल के आएगी फिर ही पता चलेगा कि डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है और इसके अंदर कोई हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, यह चीज बाद में टेस्ट की जाएगी। अलबत्ता जो G80 है ये काफी कैपेबल और एक अच्छा गेमिंग चिपसेट है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो आपको कैमरा जो है वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। नोट 7 में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा था, यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब ये नहीं मेंशन किया गया कि यहाँ पे सेंसर कौन सा यूज किया गया है, सैमसंग का सेंसर है, सोनी का सेंसर है, क्या चीज़ है। और सबसे जो मेन चीज़ है Infinix की इमेज प्रोसेसिंग को देखना होगा कि वहाँ पे इंप्रूवमेंट्स इन्होंने किए हैं कि नहीं किए, बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत रहती है Infinix को, क्योंकि इनके जो डिवाइसेज आती हैं वो बहुत ज़्यादा कैमरा फोकस नहीं होती। लेकिन अच्छा काम करा अभी Infinix 08 को, मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी टेस्ट किया। अब इसके अंदर देखना होगा बाकी जो 2-2 मेगापिक्सल के है ना वो डाल के, और एक जो वो वेला सेंसर है जिसे कहते हैं रेडियो कट्टा सेंसर, क्वाड का जो नंबर है ना वो ऑलमोस्ट पूरा है यहाँ पे। बहरहाल ट्रेंड चल रहा है, क्वाड का नंबर जो ब्रांड नहीं रखेगा ना वो लगता है कि आउट ऑफ ट्रेंड जा रही है डिवाइस। और फ्रंट साइड पर यह अपग्रेड है डुअल सेल्फी की। अब नोट 7 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता था और यहाँ पे आपको 16+2 मेगापिक्सल का सेल्फी। अब ये जो नोट 8 है ये अगर 30,000 रुपये के नीचे इसकी प्राइस रखी जाती है और रखी भी जानी चाहिए इस रेंज के अंदर, तो राइट प्राइस टैग तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो डुअल सेल्फी है ना ये पहली डिवाइस बन जाएगी जो आपको डुअल सेल्फी देगी अंडर 30,000 की रेंज के अंदर। और Infinix ने ही आपको पॉपअप सेल्फी वाली डिवाइस दी थी कोई 22-24 की रेंज के अंदर, जो S5 प्रो था। वो अलग बात है कि वही मैं कहता हूँ ना कैमराज को लेकर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स रहती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बड़ी बैटरी है और 5200mAh की 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.95 इंच का एक बड़ा IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, HD+ रेजोल्यूशन है और 258 पिक्सल डेंसिटी है। और ये सेम वही पैनल है जो आपको Infinix के नोट 7 के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ डुअल पंच होल लगाया गया, उसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलते। तो बेटर होता है कि Infinix आप फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ जाता, बिकॉज 6 महीने पहले जब एक डिवाइस आ रही है HD+ रेजोल्यूशन के साथ तो मैंने उस टाइम पे भी आपको कहा था कि अब Infinix को फुल HD+ देना चाहिए, बिकॉज Infinix ने दिया है अपने S5 प्रो के अंदर। लेकिन 6 महीने के बाद ये डिवाइस जब आएगी HD+ रेजोल्यूशन के साथ तो थोड़े से ना प्रॉब्लम यहाँ पे होंगे, तो फुल HD+ को कंसिडर करना चाहिए था इसके अंदर रेजोल्यूशन को। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो अपडेट्स यहाँ पे किए गए हैं अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस के साथ कैमरास को भी फोकस किया Infinix ने। उसके अलावा ये जो नोट 8 है इसका एक लोअर वेरिएंट भी आने वाला है नोट 8 आई के नाम से। अब नोट 7 सीरीज के अंदर नोट 7 लाइट के नाम से रखा था, इसके अंदर नोट 8 आई के नाम से होगा। डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट वो सेम होगा 6128 कंबिनेशन के साथ होगा, ये भी 6128 कंबिनेशन है, स्टोरेज वही eMMC 5.1 वाली होगी। और डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो नोट 8 आई है उसकी फ्रंट पे जो ड्यूल सेल्फी है उसे कम करके सिंगल कर दिया गया और 16 को भी कम करके 8 कर दिया गया, यानी कि उसके फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और बैक साइड पे जो कैमरा सेटअप है वो क्वाड ही रखा गया, यानी कि क्वाड का नंबर पूरा रखा गया और साथ में जो 64 है उसको 48 कर दिया गया कैमरा सेटअप। अब डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, प्राइस उसकी क्या आती है, बिकॉज मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि प्राइस एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि ये डिवाइस चलेगी या नहीं चलेगी। जितनी मर्जी उसके अंदर सॉलिड स्पेसिफिकेशन हो लेकिन अगर प्राइस गलत आ जाए ना तो वो डिवाइस कहीं पर गुम हो जाती है मार्केट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा
मेरा राइट प्राइस टैग क्या है, मेरी अपनी कैलकुलेशंस क्या हैं इस डिवाइस के लिए, ये जो नोट 8 है ना इसकी जो स्पेसिफिकेशंस मैंने ये स्लाइड के अंदर मेंशन कर दी गई हैं, बिकॉज ये 20% थोड़ा सा इंप्रूव्ड है नोट 7 के मुकाबले में, और 6 मंथ के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। नोट 8 का जो राइट प्राइस टैग है मेरे हिसाब से ये आपको कहीं पर 28,000 के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर मिलना चाहिए, बिकॉज ये 28,000 से अगर ऊपर गया तो इस डिवाइस के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे, और इन्फिनिक्स की अपनी डिवाइस जो ना वो आ रही है कोई पे नोट 8 आई वाली, मेरे ख्याल से 08 आई वाली, वो 35,000 के अंदर। तो 28,000 अगर मैक्सिमम 29,000 तक भी जाता है ना तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर इससे प्राइस ऊपर गई तो फिर नोट 8 के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे थोड़े से बढ़ जाएंगे। और अगर मैं नोट 8 आई की बात करूँ जो इसका लोअर वेरियंट है, उसका जो राइट प्राइस टैग है मेरे हिसाब से वो पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ कैमराज को डाउनग्रेड थोड़ा सा किया गया है, बाकी चीज़ें वही हैं, उसका जो राइट प्राइस टैग है वो 24,000 होना चाहिए। इससे ऊपर अगर वो डिवाइस गई तो फिर उसके मुकाबले में टेक्नो पोवा जैसी डिवाइस या दूसरी जो डिवाइस है ना कंपटीशन उसके लिए भी थोड़ा सा टाइट है। तो 24,000 या 28,000 या 29,000 ये जो नोट 8 सीरीज के राइट प्राइस टैग है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। और इसका अगर मैं कंफर्म आपको लॉन्च डेट तो अभी एग्जैक्टली निकल के नहीं आई, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट आपको बताऊँ ना तो ये आपको अक्टूबर के कहीं पर एंड के ऊपर या नवंबर के पहले 10 दिनों के अंदर पूरे चांसेस हैं कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल सके। अब आपने मुझे बताना है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कि जो नोट 8 है इसकी जो स्पेसिफिकेशन मैंने स्लाइड के अंदर मैंशन की हैं इसका क्या राइट प्राइस टैग होना चाहिए, और मेरे राइट प्राइस टैग से आप एग्री करते हैं या नहीं करते, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर कभी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।